आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो हमारे पास ये है कि आपको पता है कि जैसे NUST नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी यानी NUST के एडमिशन्स आने वाले हैं, और आपको पता है NUST जो है वो अपना एडमिशन NET के थ्रू लेती है। NET मीन्स NUST एंट्री टेस्ट। तो NUST के जो एडमिशन्स होते हैं वो NUST एंट्री टेस्ट के थ्रू होते हैं, और NUST के तीन एंट्री टेस्ट होते हैं साल में, आपको पता है, और आप इन तीनों में से कोई भी टेस्ट दे सकते हैं। तो अभी जैसे आपको पता है कि दिसंबर में NUST का पहला एंट्री टेस्ट आने वाला है, NET 1, ठीक है। इस तरीके से फिर आपके पास जो है ना वो इनके टेस्ट अप्रैल में आते हैं, देन सो ऑन। तो उसके साल में तीन टेस्ट आते हैं, NET 1, 2, 3। सो आज हम ये बात कर रहे हैं कि NUST का जो एंट्री टेस्ट आने वाला है, ये NUST के जो एडमिशन्स आने वाले हैं उसके मुतल्लिक आपको गाइडेंस देंगे, और आपको ये बताएंगे किस तरीके से आप जो है ना NUST के टेस्ट की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और किन बुक्स को आपको प्रेफर करना चाहिए, किन बुक्स को प्रेफर नहीं करना चाहिए, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, क्या स्कॉलरशिप्स मिलती हैं या नहीं मिलती, तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग NUST एंट्री टेस्ट। तो चलें देखते हैं। अब NUST एंट्री टेस्ट की जब हम बात करते हैं तो NUST एंट्री टेस्ट में कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, हु कैन अप्लाई। तो NUST एंट्री टेस्ट में वो तमाम बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट में प्री इंजीनियरिंग लिया हुआ हो, प्री मेडिकल लिया हुआ हो, कंप्यूटर साइंस लिया हुआ हो या कॉमर्स लिया हुआ हो। तो किसी भी स्ट्रीम के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं किसमें, NUST के एंट्री टेस्ट में, NET 1 में 2 में या 3 में। अब बाज़ाहिर होता ये है कि जो आपका NET 1 होता है, अब ये NET 1 होता है दिसंबर में, ठीक है। तो मैं पहले बता दूं कि NET 1 का टेस्ट कब होता है, फिर मैं आपको बता दूं कि बच्चों के जो क्वेश्चन होते हैं जो मुझे मिलते हैं काफ़ी रिगार्डिंग NUST एंट्री टेस्ट, क्योंकि देखें जो NET 1 हो रहा है वो दिसंबर में हो रहा है, और दिसंबर तक आपको पता है कि सेकंड ईयर तो कंप्लीट होता नहीं है। सेकंड ईयर के पेपर होते हैं आपके मई में, सेकंड ईयर के पेपर मई में होते हैं, तो कोर्स उनका कंप्लीट होता है फरवरी तक। तो अगर दिसंबर तक बात करेंगे तो दिसंबर तक सेकंड ईयर के तमाम टॉपिक्स नहीं हुए होते, तो फिर आप NET 1 के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले आपको मैं तमाम डेडलाइंस बता दूँ, फिर प्रॉपर गाइड करता हूँ। तो मैंने बताया कि NUST में तमाम बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे उन्होंने प्री इंजीनियरिंग किया हुआ हो, प्री मेडिकल किया हुआ हो। प्री मेडिकल वाले बायोसाइंसेस में अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाइड बायोसाइंसेस में, इट्स अ वेरी गुड फील्ड, अप्लाइड बायोसाइंसेस बहुत अच्छी फील्ड है, ZABIS भी ऑफर करता है, साथ ही साथ आपके पास ZABIS के साथ और बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती है, लेकिन NUST इज़ अ फेडरल यूनिवर्सिटी। NUST आपके पास एक फेडरल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, फेडरल गवर्नमेंट की। लेकिन अगर हम बात करें NED की, कराची की बात करें, कराची यूनिवर्सिटी की, तो ये सिंध गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है और वो फेडरल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है NUST, ठीक है। सो NUST इज़ अ फेडरल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। तो उसमें प्री इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, प्री इंजीनियरिंग में बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकाट्रॉनिक्स हैं, बहुत सारे स्ट्रीम्स आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और प्री इंजीनियरिंग की, प्री मेडिकल की बात करेंगे तो अप्लाइड बायोसाइंसिस का प्रोग्राम है, उसमें प्री मेडिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग भी है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ICS के बच्चे और कॉमर्स के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब कॉमर्स के बच्चे जिसमें अप्लाई कर सकते हैं वो आपके पास है BBA, ठीक है, यानी NUST बिजनेस स्कूल। NUST का एक बिजनेस स्कूल है NBS, NUST बिजनेस स्कूल, उसमें आपके पास कॉमर्स के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन है NUST जो है उसका, जो NET 1 है NUST इंटरेस्टेंस फर्स्ट, NUST का जो पहला इंटरेस्टेंस है उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होती है 28 अक्टूबर, रजिस्ट्रेशन है वो 28 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। बात करते हैं, ये तो मैंने बता दिया आपको कि कौन कौन से स्टूडेंट्स आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, किन बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, आर्ट्स के बैकग्राउंड के स्टूडेंट भी आर्किटेक्चर की फील्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो NUST का मतलब ये हुआ कि NUST में तमाम बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन NUST में मेजॉरिटी जो ज़्यादातर फील्ड होती है वो इंजीनियरिंग की होती है, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो NUST का जो NET 1 है उसकी रजिस्ट्रेशन 28 अक्टूबर से होगी, मतलब 28 अक्टूबर से ऑनलाइन फॉर्म आना स्टार्ट होंगे NUST की वेबसाइट पर, और ये डेडलाइन है 3 दिसंबर की, 3 दिसंबर तक ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगी, ठीक है। साथ ही साथ जो NET 1 है उसका जो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा वो 10 दिसंबर को किया जाएगा। सो 10 दिसंबर को NET 1 का टेस्ट होगा और वो सीरीज़ चलती जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि NUST का जो टेस्ट होता है वो तमाम रीजन्स में होता है, चाहे इस्लामाबाद में हो, चाहे पिंडी में हो, चाहे कराची में हो, हर जगह टेस्ट होता है, और कराची में मोस्ट प्रोबेबली इसका एक्सपो सेंटर में टेस्ट होता है, मोस्ट प्रोबेबली कराची में एक्सपो सेंटर में टेस्ट होता है किसका, NUST का।
और उसमें दो शिफ्टें होती हैं, मॉर्निंग और इवनिंग। तो मॉर्निंग क्योंकि बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, ऑलमोस्ट जितना बच्चा एनईडी में अप्लाई नहीं करता उससे डबल बच्चा नस्ट में अप्लाई करता है। तो वो क्या करते हैं कि जो है ना वो शिफ्ट बनाते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट का अलग टेस्ट होगा, इवनिंग शिफ्ट का अलग होगा, ठीक है। सो दो शिफ्टों में वो बांटते हैं टेस्ट को, और हमारा कराची में मोस्ट प्रोबेबली एक्सपो सेंटर में टेस्ट होता है। सो 10th दिसंबर से टेस्ट स्टार्ट होंगे और सो ऑन चलते रहेंगे इन कराची, इन पिंडी, इन इस्लामाबाद, मुख्तलिफ कैंपसेस में इनके टेस्ट होते रहेंगे। सो ये मैंने आपको डेडलाइन बताई, तो 28 अक्टूबर इज़ द स्टार्टिंग डेट। और इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे भी आपको तमाम डिटेल्स मिल जाएगी नस्ट के एंट्री टेस्ट से मुतल्लिक। फिर आगे और चीज़ें मैं आपको गाइड करता हूँ प्रॉपर, तो फिर आपको ये बताएंगे कि कहाँ आपको किस पैटर्न को लेके चलना है, आपने तैयारी करनी है, किन बुक्स को आपने रेफ़र करना है, क्या आपने टेक्स्ट बुक्स को पढ़ना है नहीं पढ़ना, तमाम चीज़ें भी डिस्कस करते हैं। अब तमाम चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि भाई विच इज़ मोर डिफ़िकल्ट। बच्चे बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि विच इज़ मोर डिफ़िकल्ट। तो बच्चे सवाल पूछते हैं कि विच इज़ मोर डिफ़िकल्ट, एनईटी 1, 2 और 3। तो बात ये है कि भाई एनईटी 1, 2, 3 तीनों ही अपने ज़मरों में डिफ़िकल्ट होते हैं। अब क्योंकि देखो एनईटी 1, 2, 3 इसमें ये होता है कि तीनों में आपके पास एंट्री टेस्ट तो नस्ट के हिसाब से ही आता है, फेडरल बोर्ड की बुक से आता है। लेकिन होता ये कि जब आप एनईटी 1 देते हैं तो एनईटी 1 के देते वक्त क्योंकि आपका सेकेंड ईयर का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ होता, अभी आप दिसंबर में एनईटी 1 देंगे, 10 दिसंबर को आप एनईटी 1 देंगे, तो होगा ये कि आपका सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट नहीं आया। सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट आने के साथ साथ आपका सेकेंड ईयर का कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा। तो एनईटी 1 जो होता है उसमें मेजरली या मेजॉरिटी फर्स्ट ईयर के जो आपके पास कोर्स होता है उसके एमसीक्यूज आते हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा कि एनईटी 1 की तैयारी करते वक्त आप फेडरल बोर्ड की फर्स्ट ईयर की जो बुक्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस करें। अब ऐसा नहीं है कि आप सेकेंड ईयर को छोड़ देंगे, नहीं, सेकेंड ईयर तक जहाँ तक आपने पढ़ा है, दिसंबर तक सेकेंड ईयर तक जहाँ तक आपने पढ़ा है वो आपके कोर्स में इंक्लूडेड है, आप उसकी तैयारी करो। लेकिन पहले आप किसकी तैयारी करो, फर्स्ट ईयर की, क्योंकि फर्स्ट ईयर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। और मेजरली एनईटी 1 में मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स को ही कवर किया जाएगा फेडरल बुक के। आई वुड रिकमेंड फेडरल बुक, और साथ साथ आपको फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स को पहले पढ़ना है, फिर उसके बाद जो सेकेंड ईयर के टॉपिक्स जितने पढ़ लिए हैं वो आप पढ़ लें। किसके लिए? एनईटी 1 के लिए। फिर एनईटी 2 एनईटी 3 ये होते हैं अप्रैल में एंड सो ऑन। तो इसमें क्या होता है कि इसमें फिर सेकेंड ईयर का कोर्स भी इंक्लूडेड होता है। लेकिन हम ये कह नहीं सकते कि भाई फर्स्ट ईयर आएगा सेकेंड ईयर नहीं आएगा। दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है, तो दोनों आ सकते हैं। लेकिन एनईटी 1 में क्योंकि आपने सेकेंड ईयर पूरा नहीं पढ़ा होता तो आप पहले फर्स्ट ईयर की कोर्स की किताबें सारी पढ़ लें अच्छे तरीके से, फिर सेकेंड ईयर तक जहाँ तक पढ़ा है उसको रिव्यू कर लें, तो इंशाल्लाह आपका एनईटी 1 अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एनईटी 1, 2, 3 तीनों इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता। तीनों के लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। नस्ट का टेस्ट बेसिकली कॉन्सेप्ट पर मबनी होता है। फेडरल बोर्ड की बुक्स तो आप पढ़ेंगे लेकिन साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे होने चाहिए। सो एनईटी 1 यू विल फोकस ऑन योर प्रीवियस फर्स्ट ईयर एंड देन सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में जितना आपने पढ़ा है उसे पढ़िए, ठीक है। विच एफ एस सी पार्ट 1 और 2 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनईटी प्रिपरेशन, कह रहे एफ एस सी पार्ट 1 या एफ एस सी पार्ट 2 दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नस्ट की प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि देखो बहुत सारी मिथ्स चली हुई है मार्केट में और लोग बोलते हैं कि भाई आप फर्स्ट ईयर की जो है ना आपका नस्ट का एंट्री टेस्ट जो है ना या एनईडी का जो एंट्री टेस्ट है उसमें फर्स्ट ईयर से ज़्यादा आता है सेकेंड ईयर से कम आता है। ये मिथ चली हुई है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। नस्ट के इंट्रेस्ट टेस्ट के लिए आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, ठीक है। सो इसका मतलब है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि फर्स्ट ईयर से ज़्यादा आता है सेकेंड ईयर से कम आता है। हाँ एनईटी 1 में ऐसा सिनेरियो हो सकता है लेकिन होता नहीं है। मैंने कहा देखो सेकेंड ईयर तक जितना पढ़ लिया है आपने उसको रिव्यू करके जाना है, पढ़ के जाना है। अब ऐसा नहीं है आप फर्स्ट ईयर पढ़ के जा रहे हो, आप खाली फर्स्ट ईयर पढ़ के जाओगे तो एनईटी में आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स भी नहीं आएंगे, 100 मार्क्स भी नहीं आएंगे। तो कोशिश कीजिए कि जितना फर्स्ट ईयर का पढ़ लिया, फर्स्ट ईयर पढ़ लिया था उसको रिव्यू करें, और सेकेंड ईयर में जितना पढ़ लिया उसे पढ़ लें। बकाया क्योंकि आप पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि आपने कोर्स कवर किया नहीं है, लेकिन कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, उसके मेन की पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा। सो इट मीन्स कि एनईटी नस्ट इंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए एफएससी पार्ट 1 पार्ट 2 मैटर नहीं करता, दोनों की इतनी अहमियत है, दोनों की तैयारी करनी पड़ेगी।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास, अगर अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ मैं आपको, ये है कि लेट सपोज आप NET 1 में अपेयर हुए, NUST के फर्स्ट इंट्रेंस टेस्ट में अपेयर हुए, और NUST के फर्स्ट इंट्रेंस टेस्ट में आपने 150 प्लस का स्कोर कर लिया, यानी 150 टोटल होते 200, तो 200 में से आपने NUST के फर्स्ट एंट्री टेस्ट में 150 अबव मार्क्स ले लिए। तो 150 अबव मार्क्स लेने के बाद मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप NET 2 या NET 3 में गलती से भी अपेयर ना हो। अगर आप चाहते हैं कि भाई आप, क्योंकि अगर आप अपेयर होना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मेरी पोजीशन आ जाए NUST के एंट्री टेस्ट में, मेरी पोजीशन आ जाए, क्योंकि अगर आपकी NUST के एंट्री टेस्ट में Top 3 या Top 10 पोजीशंस होंगी तो आपको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, ठीक है। वो स्कॉलरशिप होती हैं अकॉर्डिंग टू एंट्री टेस्ट, कि एंट्री टेस्ट में आपकी Top 3 या Top 10 पोजीशंस आई है तो उसमें आपको स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन अगर आप, अगर आप NUST की फ़ीस पे कर सकते हैं, आपको स्कॉलरशिप्स की नीड नहीं है, और आपके 150 प्लस मार्क्स आ चुके हैं, तो इट मीन्स कि आपका NUST में एडमिशन गारंटेड है, फिर NUST में आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि वो तमाम बच्चे जो NUST की फ़ीस पे कर सकते हैं और जिनको स्कॉलरशिप्स की ज़रूरत नहीं है, तो अगर उनके 150 प्लस मार्क्स आ जाते हैं तो उनको NUST एंट्री टेस्ट 2 या 3 में अपेयर होने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू अपेयर, ठीक है। साथ ही साथ बात करते हैं NET के पास्ट पेपर्स। सो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ये NET के पास्ट पेपर्स, NUST के पास्ट पेपर्स कहाँ से मिलेंगे? तो देखिए, NUST इटसेल्फ, जो हमारी यूनिवर्सिटी है, वो इटसेल्फ कोई पास्ट पेपर्स जारी नहीं करती अपनी एंट्री टेस्ट के, ठीक है, वो रिवील भी नहीं करती। बाकी हमारे पास जो पास्ट पेपर्स हैं या मुख्तलिफ दूसरी अकेडमीज़ के पास जो पास्ट पेपर्स हैं, वो उन्होंने स्टूडेंट से कंपाइल की। जैसे अगर हम किसी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं या वो किसी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो वो क्या करते हैं, स्टूडेंट्स से बाद में फ़ीडबैक लेते हैं, या स्टूडेंट्स उनको खुद फीडबैक देते हैं कि जो हमारा एंट्री टेस्ट था मॉर्निंग या इवनिंग का, इसमें ये टॉपिक्स से MCQs आए थे। तो हर साल वो अपने स्टूडेंट से या हम अपने स्टूडेंट से क्या लेते हैं, फीडबैक लेते हैं रिगार्डिंग MCQs। अगर MCQs बच्चों को नहीं याद होता तो हम कहते हैं टॉपिक्स बता दो कि किन टॉपिक्स से MCQs आए हैं, तो फिर वो अपने हम अपनी बुकलेट में इंक्लूड कर देते हैं। सो देर इज़ नो एनी सॉर्ट ऑफ पास्ट पेपर्स ऑफ NET, जस्ट वी टेक फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स। हम स्टूडेंट से फीडबैक लेते हैं और उनके दिए गए टॉपिक्स या MCQs को लेकर हम एक बुकलेट कंपाइल करते हैं, उनको हम पास्ट पेपर्स का नाम देते हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो अगर आपको हमारे पास्ट पेपर्स या बुकलेट चाहिए फॉर NET, सो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट theeducationisthub.com, ठीक है, ये वेबसाइट विजिट कर लें, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक होगा, ठीक है। साथ साथ बच्चे पूछते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट या सेल्फ स्टडी। बच्चे कहते हैं कि NUST के एंट्री टेस्ट की तैयारी करने के लिए हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना चाहिए या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए? तो सबसे पहले आपको बात करते हैं यहाँ पर NET 1। आपको जैसे पता है कि NET 1 का टेस्ट दिसंबर में होने वाला है, और मोस्ट प्रोबेबली बच्चे ऐसे होंगे जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे अभी, वो बच्चे ऐसे होंगे कि उन्होंने तैयारी अभी शुरू की होगी, या उनके माइंड में अभी आया होगा कि NUST के लिए भी अप्लाई करना चाहिए, और बहुत सारे बच्चे मोस्ट प्रोबेबली जून से भी स्टार्ट कर चुके होंगे, और जून से अगर स्टार्ट करते हैं दिसंबर तक, तो अच्छा खासा मतलब 4-5 महीने का टाइम है तैयारी के लिए। तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप सेल्फ स्टडी की तरफ जाएँ, डोंट गो फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूट। क्यों नहीं जाएँ? क्योंकि अगर टाइम इतना शॉर्ट है, अगर आपके पास नवंबर से दिसंबर का टाइम है, अक्टूबर से दिसंबर का टाइम है, तो 2 महीनों में आप कोचिंग सेंटर्स को जाकर के आप क्या करेंगे? कोचिंग सेंटर्स अगर आप जाते भी हैं तो आप कितना पे करेंगे? पे करने से आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, और दूसरा ये कि इतनी तैयारी हो भी नहीं पाएगी जितना आप सेल्फ स्टडी करेंगे। आप अगर हर सब्जेक्ट को 2 घंटे देते हैं, अपने हर दिन आप हर सब्जेक्ट को 2 घंटे दें, यू शुड गिव 2 आवर्स टू एनी सब्जेक्ट, ठीक है, इन अ डे। आप हर सब्जेक्ट को 2 घंटे दें हर दिन में, तो डेफ़िनेटली आप देखेंगे ना, आपकी जो सेल्फ स्टडी है उसमें ग्रूमिंग हो रही होगी, और डेफ़िनेटली आप अपना कोर्स कवर कर लेंगे। तो आई वुड रिकमेंड कि आप सेल्फ स्टडी की तरफ जाएं और सेल्फ स्टडी के ज़रिए अपनी तैयारी करें, रदर देन गो टूवर्ड्स कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि टाइम कम है ना। अगर टाइम आपके पास 6-7 महीने का होता, आप जून से तैयारी करते, तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तरफ भी जा सकते थे, ठीक है, फिर वो आपको प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करवाते। अब घर में आप क्या करेंगे? घर में आप हर सब्जेक्ट को 2 घंटे दें, और साथ साथ पहले आप घर में क्या करें, एक टॉपिक पढ़ें। जैसे फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है, फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक आपने रिव्यू किया,
वो टॉपिक रिव्यू करने के बाद आपने क्या किया, उसके रिलेटेड थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स दोनों ग्रिप कर लिए, ठीक है। आपने एक फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक पढ़ा जिसके मुतालिक आपने थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों कॉन्सेप्ट्स ग्रिप कर लिए। उसके बाद क्या करें, आप मुख्तलिफ प्रैक्टिस पेपर्स लें या मुख्तलिफ पास्ट पेपर्स लें, वो पास्ट पेपर्स नहीं होते, बच्चों के फीडबैक होते हैं, तो मुख्तलिफ पास्ट पेपर्स लें या मुख्तलिफ सैम्पल पेपर्स लें, उनको फिर सॉल्व करें। जब आपका एक टॉपिक कवर हो जाए, जैसे कि मैं बात करता हूँ डायमेंशंस की, अगर आपने डायमेंशंस का टॉपिक क्लियर कर लिया, मतलब उसके थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गए, तो फिर प्रैक्टिस पेपर्स की तरफ जाएं या फिर आप पास्ट पेपर्स की तरफ जाएं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो यहाँ से आपकी खुद की सेल्फ स्टडी होती रहेगी, रदर देन आप 2 महीने कहाँ इन्वेस्ट करेंगे कोचिंग सेंटर्स में। इसके बाद है हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली। इफेक्टिवली स्टडी करने के लिए देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपने आवर्स को डिस्ट्रीब्यूट करें, अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करें, और टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करने के साथ साथ जब आप स्टडी कर रहे हो तो आप किसी दूसरी चीज़ की तरफ फोकस ना करें। तो मैंने बताया जो आपका फिज़िक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स है, और कंप्यूटर साइंस के लिए कंप्यूटर, और प्री मेडिकल के लिए बायोलॉजी। तो ये जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस, इसको आप हर दिन 2 घंटे दें, और जब इसको आप 2 घंटे देंगे तो इन 2 घंटों में आपको टॉपिक्स को पढ़ना भी है और टॉपिक्स के प्रैक्टिस पेपर्स को भी सॉल्व करना है, ठीक है। टॉपिक्स भी पढ़ोगे और टॉपिक्स के प्रैक्टिस पेपर्स को भी सॉल्व करोगे, तो साथ साथ आपकी जो है ना वो ग्रिपिंग, माइंड की ग्रिपिंग होती जाएगी कि मैंने अगर ये टॉपिक पढ़ा है तो इस टॉपिक से मुतलिक मैंने ये पास्ट पेपर्स या सैम्पल पेपर सॉल्व किए, तो साथ साथ आपका आपकी जो है ना वो फास्ट रिमेंबरिंग या फास्ट सॉल्विंग ट्रिक्स भी बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि अपनी न्यूमेरिकल सॉल्विंग ट्रिक्स को बढ़ाएं, जो शॉर्ट न्यूमेरिकल्स होते हैं या फिर जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, वो आपकी ऐसे ही साथ साथ इंप्रूव होती जाएंगी जैसे जैसे आप जो है ना प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व करते जाएंगे। तो इफेक्टिवली स्टडी करने के लिए सबसे पहला पॉइंट, टाइम दें, अपने टाइम को डिवाइड करें। सेकेंडली, जब आप पढ़ रहे हो तो किसी दूसरी चीज़ की तरफ फोकस ना करें। थर्ड चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व करें। फोर्थ पॉइंट ये कि आप जो है ना वो ट्रिक्स को देखें, न्यूमेरिकल की शॉर्ट ट्रिक्स को समझें, न्यूमेरिकल की शॉर्ट ट्रिक्स के ज़रिए आप चीज़ों को सॉल्व करें, और जैसे जैसे आप पास्ट पेपर सॉल्व करते जाएंगे न्यूमेरिकल की ट्रिक्स आपके माइंड में खुद ब खुद डेवलप होती जाएंगी। आप करके तो देखें, आप पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे, मुख्तलिफ पास्ट पेपर्स में न्यूमेरिकल आएंगे, जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाएंगे आपके माइंड में खुद ब खुद ट्रिक्स डेवलप होती जाएगी, और आपको अप्रॉक्सीमेशंस भी याद हो जाएंगी कि 3/4 क्या है, 6/4 क्या है, अप्रॉक्सीमेशंस भी आपके माइंड में आती रहेगी। सो इस तरीके से आप इफेक्टिवली स्टडी कर सकते हैं, टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करके और साथ साथ प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व करके। डस नस्ट ऑफर स्कॉलरशिप? जी बिल्कुल, नस्ट जो है वो स्कॉलरशिप भी ऑफर करता है। नस्ट की बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं जो आप अवेल कर सकते हैं। नंबर 1 स्कॉलरशिप मैंने पहले बता दी, जो नस्ट के एंट्री टेस्ट में टॉप 3 पोजीशन होल्डर्स होते हैं, चाहे वो NET 1 हो, NET 2 हो, NET 3 हो। मैं NET 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो नस्ट के जो एंट्री टेस्ट होते हैं उसमें जो टॉप 3 पोजीशन होल्डर्स होते हैं या फिर टॉप 10 पोजीशन होल्डर होते हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप्स होती है। तो पहली स्कॉलरशिप्स किन के लिए हुई? पोजीशन होल्डर्स के लिए इन द एंट्री टेस्ट। दूसरी होती है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, और ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप आपके पास जब नस्ट का फॉर्म फिलअप करेंगे, जब 28 अक्टूबर को आपको नस्ट का ऑनलाइन फॉर्म मिलेगा, तो उस फॉर्म के साथ आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। तो दूसरी स्कॉलरशिप हुई नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती हैं, HEC की स्कॉलरशिप है और दीगर बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, लेकिन वो स्कॉलरशिप्स फिर आपको यूनिवर्सिटी में दी जाती हैं, ठीक है। यानी आप यूनिवर्सिटी में अगर अच्छे ग्रेड्स लेते हैं, आपके सेमेस्टर ग्रेड्स अच्छे आते हैं, फिर आपको वो HEC की स्कॉलरशिप मिलती है या दीगर और स्कॉलरशिप है। और एक और स्कॉलरशिप होती है आपकी एकेडमिया स्कॉलरशिप नस्ट की, जिसमें आपकी जो CGPA है वो फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी CGPA 4 होनी चाहिए। जब आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में CGPA 4 होती है तो आपको वो मंथली स्टाइपेंड देते हैं, नस्ट वाले कुछ मंथली स्टाइपेंड देते हैं। लेट सपोज अगर आप नस्ट में इंटर हुए, एडमिशन ले लिया, एडमिशन फ़ीस पे कर दी, सेमेस्टर फ़ीस पे कर दी, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आपकी CGPA 4 थी, तो नस्ट वाले आपको मंथली स्टाइपेंड देते हैं, आई थिंक सो 20,000 के अराउंड है, ठीक है, 18 से 20,000 के अराउंड इनका स्टाइपेंड होता है। और मोस्ट प्रोबेबली शायद इन्होंने ये वाली स्कॉलरशिप बंद कर दी है, ये वाली स्कॉलरशिप इन्होंने बंद कर दी है क्योंकि अभी से डिसकंटिन्यू हो गई है, कंटिन्यू चल नहीं रही है स्कॉलरशिप। तो फिर भी आप कंफर्म कर लीजिएगा, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप तो मिलती है और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप फॉर्म के साथ आती है जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे। उसके साथ साथ जो नस्ट के पोजीशन होल्डर्स होते हैं एंट्री टेस्ट में, उनको भी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, और HEC स्कॉलरशिप्स बाद की बात है जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे।
इसके अलावा फ्रॉम वेयर टू प्रिपेयर, अब बच्चे सवाल पूछते हैं कि नस्क के एंट्री टेस्ट की तैयारी कहाँ से की जाए। तो नस्क के एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए सबसे पहली चीज़, फोकस ऑन योर टेक्स्ट बुक्स। आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की, उस पर फोकस करें, टेक्स्ट बुक्स के की पॉइंट्स को पढ़ते जाएं। मैंने कहा आप एनईटी 1 दे रहे हैं तो एनईटी 1 में आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट नहीं हुआ होगा, सेकेंड ईयर आपका फेब में कंप्लीट होगा और पेपर बाद में होंगे, तो आप दिसंबर में एनईटी 1 देंगे। तो पहले आप अपनी फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक्स को फोकस करें, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। सो कहाँ से आप तैयारी करेंगे एनईटी 1 की? फर्स्ट फोकस ऑन योर टेक्स्ट बुक्स, अपने टेक्स्ट बुक्स के की पॉइंट्स को पढ़ना स्टार्ट करें, उनके न्यूमेरिकल्स को फास्टली सॉल्व करना शुरू करें। सेकेंड चीज़, गो फॉर फेडरल एंड पंजाब बुक, पंजाब की जो बुक्स हैं या फेडरल बोर्ड की बुक्स हैं उनको स्टडी करें, क्योंकि नस का जो एंट्री टेस्ट है वो मोस्ट प्रोबेबली आप जितने भी एंट्री टेस्ट देखेंगे या जितने भी फीडबैक हमने लिया है स्टूडेंट से या मुख्तलिफ आप दीगर इंस्टीट्यूट्स की किताबें देखेंगे, हमने जो फीडबैक लिया है उसमें यह है कि जो नस के MCQs होते हैं वो ज़्यादातर कहाँ से आते हैं, फेडरल बोर्ड की बुक्स हैं या पंजाब बोर्ड की बुक्स हैं, दोनों एक ही है। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक्स को कीनली स्टडी करने के बाद फेडरल या पंजाब बोर्ड की बुक्स की तरफ जाएं। याद रखिए जो हमारी जो आपकी टेक्स्ट बुक्स की बुक्स जो आपकी टेक्स्ट बुक्स होंगी वो और पंजाब बोर्ड की बुक्स ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। सिर्फ इस चीज़ का डिफरेंस होगा कि वहाँ आपके पास कुछ एक आध कॉन्सेप्ट ज़्यादा होंगे, मतलब कुछ एक आध टॉपिक्स ज़्यादा पढ़ा दिए गए होंगे, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता। सो पहले अपनी टेक्स्ट बुक्स को क्लीनली स्टडी करें, हर की पॉइंट्स को स्टडी करें, हर न्यूमेरिकल्स को ट्रिक वाइज सॉल्व करने की कोशिश करें। मैंने कहा ना, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतने आपके माइंड में अप्रॉक्सीमेशन और न्यूमेरिकल ट्रिक्स आती चली जाएंगी। सो देन गो फॉर फेडरल बुक्स। उसके बाद क्या है, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। नस्ट का जो टेस्ट होता है वो कम्प्लीटली आपके कॉन्सेप्ट्स पे बेस करता है। बाकी आगे में जाकर के आपको बताऊंगा कि जो IBA का टेस्ट होता है, किसका, IBA का, जो IBA का टेस्ट होता है वहाँ कॉन्सेप्ट्स कितना मैटर करते हैं। तो IBA के टेस्ट की भी इंशाल्लाह मैं आगे गाइडेंस देता हूँ आपको, जब IBA का टेस्ट आने वाला होगा तो आपको प्रॉपरली तमाम चीज़ें बता दूंगा। तो नस्ट के टेस्ट के लिए थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए तमाम टॉपिक्स से रिलेटेड। नंबर वन, गो थ्रू योर बुक्स, स्टडी योर बुक्स क्लीनली। नंबर टू, गो फॉर फेडरल बोर्ड बुक्स। नंबर थ्री, क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग ईच एंड एवरी टॉपिक, हर टॉपिक से मुतालिक अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो ये है कि नस्क के एनईटी वन के लिए कौन कौन से टॉपिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, यानी कौन से टॉपिक्स मोस्ट, क्योंकि मैं आपको पता है कि आप मेरे टारगेट पेपर्स लेते होंगे, बहुत सारे बच्चे मुझसे पढ़ते हैं और मुझसे टारगेट पेपर्स भी लेते हैं, चाहे वो ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े या मुझसे कहीं से कम्युनिकेट होकर के मेरे साथ रबता करें। तो जो बच्चा मेरे पास ऑलमोस्ट आता है उसे टारगेट पेपर या प्रिपरेशन पेपर मिलता है और अल्हम्दुलिल्लाह वो उससे सेटिस्फाई भी होता है और टारगेट पेपर की तैयारी भी करता है और बाद में इंशाल्लाह दुआएं भी मिलती है कि अल्हम्दुलिल्लाह सर आपका पेपर पूरा लग गया और तैयारी मैंने उसी से की थी और टाइम ड्यूरेशन भी बहुत शॉर्ट था और पेपर भी अच्छा हो गया। तो अब यहाँ पर ये है कि भाई आप क्या करें कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं या इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी सैंपल। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट बुक्स के लिए मैं रिकमेंड ये करूँगा कि मार्केट्स में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, जिसमें मैं नाम तो नहीं लूँगा, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं और बहुत सारे लोग अपने अपने पास पेपर्स भी देते हैं। तो अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानना चाहते हैं फॉर नस्ट एंट्री टेस्ट 1, सो काइंडली विजिट आवर वेबसाइट। हमारी वेबसाइट है theeducationisthub.com, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आ रहा होगा, आप जाएं। इंशाल्लाह कल तक कोशिश करके नस्ट एंट्री टेस्ट की तमाम डिटेल्स में पोस्ट कर दूंगा अपनी वेबसाइट पर और उस वेबसाइट पे आपको नस्ट के पास्ट पेपर्स भी मिल जाएंगे। पास्ट पेपर्स इन सेंस के जो बच्चों से कंपाइल किए गए हैं, नस्ट इटसेल्फ कोई पास्ट पेपर जारी नहीं करता। तो साथ साथ आपको वहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, जो एनईटी 1 के लिए है, फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे और साथ साथ कौन कौन सी बुक्स हैं जो हम रिकमेंड करते हैं।